पूरा लेकर आते हैं, पूरा एक दिन में यूज, मतलब एक दिन के लिए ना पूरा, ये पूरा शाम तक चल जाता है। ये 2-3 बजे तक चलता है, उसके बाद दोबारा आता है। कितने का है भाई? एक सिंगल 20 का है, दो लेंगे तो 40 का है। सादा लीजिए चाहे ये लगा। अच्छा, बस सिंगल पीस 20 रुपए का सादा में। अच्छा, और घी के साथ भी वही 20 और 40 है। अच्छा सही है, तो ये बाटी चोखा हो गया तुम्हारा, है ना? और ये वो घी, देसी घी है। हाँ, देसी घी है। पार्टी करके लाते हैं, पूरा भरा रहता है। हाँ, 2-3 बजे तक खत्म हो जाता है, फिर दोबारा बन गया। हाँ, इसमें हम लोग तो पूरी चटनी रहती है, जो कि ताज़ा डेली पीसी जाती है। कौन सी चटनी है? ताज़ा पीसी जाती है, धनिया की चटनी है। अच्छा, धनिया की चटनी है। अच्छा, और इसमें गन्ने का सिरका है, प्लस मिर्चा पड़ा हुआ है गन्ने का, लहसुन भी है। अभी इसमें नमक रहते हैं, इसमें चोखा रहता है अपना पूरा फुल। ये वही चटनी है, और ये सिरका है, ये चटनी है, जो कि थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी में देने के लिए काम आता है। इसमें चोखा है, चोखे में आलू बैगन टमाटर और लहसुन मिर्चा है, धनिया का पेस्ट पड़ता है बढ़िया बकायदा। भाई भगोना कितने किलो का है भाई तुम्हारा? एक कुंटल का, एक कुंटल कैपेसिटी है पूरी। सही है, प्याज हमेशा ताजी मिलेगी आपको कटी हुई। हाँ, क्योंकि खराब हो जाती है ना प्याज, ज़्यादा देर अगर काट के रख दो तो खराब हो जाती है। सही है, अरे सारा फ्रेश काम है। और सुबह भाई कितने बजे दुकान खोल लगाते हो? 9 बजे तक जाती है। हाँ, और शाम के 7 बजे तक चलती है। 7 बजे तक चलती है, चाहे जाड़ो चाहे गर्मी हो। और संडे वनडे कोई छुट्टी? संडे को भी आपको अवेलेबल रहेगा 7 बजे से, सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे। भाई कितने साल हो गए वैसे यहाँ दुकान लगाए हुए? ये यहाँ पे हमारे पिताजी लगाते थे, अभी हम लोग को यहाँ पे लमसम 30-35 साल हो गया। 30-35 साल हो गया है। सही है भाई, यहाँ पे हम लोग को 20-25 साल। हाँ, मैं भी पहले आके खाता था, तो मतलब मैंने खाया है पहले, और अभी काफ़ी समय से इधर आया नहीं था। आज मैं आया, मैंने कहा वीडियो मैं यहाँ की बना के जाऊँगा। सही है भाई, पिताजी का काम आप लोग संभाल रहे हैं, आप ही ले आते हो यहाँ पे दुकान पे हमेशा? हाँ, हम ही लोग जाते हैं। अच्छा, आप दोनों भाई हो? छोटा भाई है। भाई रेट 2022 से मतलब अभी तक चेंज नहीं किया है? नहीं, वही रेट चल रहा है जो है ना भैया। हाँ, साल में 2 साल में एक बार चेंज होता है। अच्छा, ये हाँ, हर महीने हर साल में 6 बार एक बार चेंज होता है। अच्छा, यहाँ से विधानसभा तो यहाँ पास ही में है, विधानसभा में कभी जाता ही होगा? आप खुद देख लीजिए खुद का बिजनेस करने में कितना फ़ायदा होता है। ये बाटी चोखा वाले भैया जो सुबह से शाम अपना बाटी चोखा बेचते हैं, डेली 500 बाटी चोखा बेचते हैं, तो एक बाटी चोखा अगर ये 20 रुपये का बेचते हैं, तो मतलब ये कि जब तक ये शाम को अपने घर जाते हैं, तो ये 10,000 रुपये की सेल करके ही जाते हैं। तो आप समझ लीजिए अपना बिजनेस करने में कितना फ़ायदा होता है। और जब आप यहाँ बाटी चोखा खाने आएंगे, तो आपको यहाँ सच में एक्सपीरियंस होगा कि ये जो बाटी चोखा ये लोग जो बना रहे हैं, इनको सच में 30 साल का एक्सपीरियंस है, जो इनके फादर से इनको मिला। और जब आप खाएंगे तो आपको पक्का ये फील होगा। बोलो, बोल के दिखाइए जरा। इसमें कितनी बाटी चोखा होगा? बाटी कितनी होगी? तकरीबन 250 होंगी। तो कितनी देर के लिए? मतलब 2 बजे तक, 2 बजे तक खत्म।
सही है। ये क्या घर पे ये भी बनाते हैं क्या? नहीं ये बनवाते हैं। बनवाते हैं ऑर्डर देके तो होटल गुण मिला के। अच्छा कितने का है ये? 5 रुपये 20 है। 190 रुपये। बाटी चोखा के बारे में आपको प्रॉपरली दुकान बताता हूँ। अगर आप सामने क्या कहते हैं ये सामने जो है ये चिड़ियाघर की तरफ रोड जा रही है, ठीक है, और ये सामने चिड़ियाघर की रोड जा रही है। इधर से हजरतगंज की तरफ इधर आ रहे हैं, इधर आगे आप मुख्यमंत्री आवास से ले आओगे और उधर से आप इधर आओगे तो ये रोड है, ये है बाटी चोखा की दुकान, ठीक है, और ये सामने चली जा रही है आगे आपका विधानसभा की तरफ रोड। एक भाई मेरे लिए लगाओ, मैं अभी खाऊंगा। भी ऑर्डर कर रहा हूँ अपने लिए ताकि मैं दिखा सकूँ। ये देखिए ये बढ़िया चोखा है, ये बाटी, एक बाटी की काफ़ी चोखा देखिए कितना अच्छा खासा इन्होंने दिया है भैया। तो आगे भाई ये दिन भर चलती है? कल सुबह तक चलेगी। इसमें गर्म करने भर के लिए इतनी आंच बना के रखी है कि गर्म करते रहो सर्व करते रहो। सही है भाई, जाड़े में थोड़ा जल्दी हो जाता होगा, जाड़े में भी पूरी 2 दिन चल जाती है। अच्छा पूरे 2 दिन मतलब अगर चलना। ऐसे तो नॉर्मल जो बाटी बनाते हैं गरम करने के लिए वो दबा देते हैं ना राख में, तो ये ऐसे ऊपर इतना गरम हो जाता है ये। अच्छा धीमे धीमे हल्की आँच किलो मिल रही है उसे, पूरी आ गया। अच्छा थोड़ा कोयला वाला भी मिलाया होगा ना, सिर्फ प्योर कंडा है, कंडा जल के बिल्कुल फिर वो दब नहीं आती है उसकी आँच, कंडा वो जला नहीं है ना, मतलब कंडा धीमी आँच है, धीमे में सुलग रहा है। अच्छा ये सुलगने का ही है, हमें लगा यहाँ कुछ डाल दिया है, मतलब ये तेल तेल वेल डाल दिया उसके वजह से आ रही है। नहीं नहीं ये सुलग रहा है वहाँ से धीरे धीरे। सही है। ये है भाई मैंने एक खाई बाटी तो मेरा पेट भर गया, 2 बाटी तो सफिशियंट है, अगर कोई भूखा हो उसको अच्छे से पेट भर जाएगा। सोच रहा हूँ पहले मैं जाऊँ एक बाटी चोखा, यहाँ पे दुकान है अजीगंज के पास, बहुत फेमस दुकान है, मैं सोच रहा हूँ जाता हूँ वहाँ जाके खाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसी है वीडियो, मतलब कैसी वो दुकान है और कैसा ओवरऑल वो प्रिपरेशन करता है। बहुत अच्छा है, मैं तो काफ़ी समय से उसके यहाँ खा रहा हूँ, मतलब काफ़ी दिन से मैंने खाया नहीं पर मैं पहले बहुत मैं उसके यहाँ जाके खाता था,
आज मैं इधर आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ चलो मैं वहाँ जाके ये कवर करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद देखता हूँ मैं निकलता हूँ।